अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद का सारे खरीद सौ तो सारे यूट्यूब चैनल सरदार बलोच सब तो पहले तमाम दोस्तों को ढेर ढेर मुबारक हाँ, क्योंकि रात पाकिस्तान मैच जीत गए। नसीम शाह ने छक्के दू छक्के मारते अपना नाम बना के थे। तो दोस्तों हिमरे तक उठ से सूँ के कप के उठते नवे नवे इफेक्ट है पेन, तो हिमरे तक उठ से सूँ के इफेक्ट क्यों लगते हैं बहु आसान है। तो गुजारिश सारे चैनल को सब्सक्राइब कर सो, घंटे के बटन जरूर दबे सो, अस बड़ी मेहनत वीडियो बने त्रै त्रे चार चार बंद ना बने रल मिलते वाला वीडियो बने तुरी कमेंटमेंट पूरी कर गुजारिश सारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सो। तो जल्द स्क्रीन तरफ तक उठे कि कप कुट दे रही वीडियो क्यों बन दी है। अस्सलाम वालेकुम, आजकल जो है टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे कि आप स्टार्ट में देख चुके हैं या अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस साउंड के ऊपर कुछ इस तरह की वीडियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी है इस तरह का वीडियो क्रिएट करना, ये हम कैपकट के ऊपर क्रिएट करने वाले हैं। इस वीडियो में जो है हम अपनी पिक को तीन दफा भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी तीन फोटोज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो है हम अपनी दो फोटो सिलेक्ट कर लें और साथ में एक गर्ल की फोटो सिलेक्ट कर लें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अभी हम अपनी एक दो फोटो सिलेक्ट करते हैं और एक गर्ल की फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है हमने क्या करना है, कैपकट ऐप को करना है ओपन। कैपकट ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में आना है, फोटो के ऑप्शन में आना है और यहाँ से अपनी तीन फोटोज को कर लेना है सिलेक्ट। हम कोई भी अपनी तीन फोटोज सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी दो फोटोज सिलेक्ट की हैं, तीन फोटोज नहीं थी। अगर आपके पास भी ना हो तो आप कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट में आके यहाँ पे कर लेंगे कॉपी, तो ये हमारी जो है ना डबल हो जाएगी। अब हमने ये जो नीचे ऑप्शन है इन ऑप्शन में आगे आना है, फॉर्मेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, 9:16 टिकटॉक वाला साइज है इसको सिलेक्ट करना है। अपनी फोटो को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से कर लेंगे जूम, उसके बाद नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करेंगे और उसे भी सिलेक्ट करके कर लेंगे जूम, और फिर हम नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करके इसे भी कर लेंगे जूम। लास्ट में कैपकट का वाटर मार्क है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट। उसके बाद वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आना है, वीडियो के स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पे हमने साउंड ऐड करना है, साउंड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड करना है। उसके बाद एड ऑडियो में आना है, एक्सट्रैक्टेड में आना है, साउंड वाली वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करना है और कर देना है इंपोर्ट साउंड ओनली, तो ये आपके पास साउंड ऐड हो जाएगा। अब आपने पहले फोटो को कुछ नहीं कहना, दूसरे फोटो को करना है सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यह है स्टाइल का ऑप्शन, स्टाइल के ऑप्शन में आना है और इसके ऊपर ये जो पहला पहला जो है पार्टिकल वाला है ना, पार्टिकल डिस्पाइट टू, इसको आपने करना है सिलेक्ट। अगर ये आपके पास ना हो तो आप प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और आप अपने कैपकट को अपडेट कर लेंगे, बिल्कुल न्यू जो है ये आया है तो वहां पे जो है अपडेट करने से ये आपकी कैपकट में आ जाएगा। उसके बाद दूसरे तीसरे फोटो के ऊपर आपने जो है ये दूसरे नंबर पर पार्टिकल वाला ये सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद देखें अब ये आपके पास इफेक्ट लग चुका है। अब आपने अपने फोटोज की जो है ना साउंड को सेट करना है, तो आप कुछ इस तरीके से साउंड को सुन लेंगे, ठीक है। वैसे जो है ना हम पहले साउंड को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और ये जो साउंड है हमारा तकरीबन 5 सेकंड तक आता है, ठीक है, 5 सेकंड तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसको जो है ना हमने 9 सेकंड तक रख लेना है, ठीक है, 9 सेकंड से थोड़ा सा कम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट फोटो है उसको हमने लास्ट तक ले आना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो के स्टार्ट में आते हैं, फिर यहाँ से बैक आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इफेक्ट के ऑप्शन में आएंगे, वीडियो इफेक्ट में आएंगे। वीडियो इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे भी जो है ट्रेंडिंग में इफेक्ट आया हुआ है, बेसिक में हम सिलेक्ट करेंगे और ये है हालो ब्लर, ठीक है, इसको आप कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसे जो है हम अपनी पहली फोटो के ऊपर कर लेंगे एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद आपकी वीडियो कंप्लीट है। हम चलाकर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी अमेजिंग वीडियो बन चुकी है जो आजकल ट्रेंड में चल रही है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में जो हमने सेव के ऑप्शन, अस्सलाम वालेकुम, आज आपके लिए जो है कैपकट का एक और ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे ब्लैक इफेक्ट एडिटिंग, ठीक है, कुछ इस तरह की वीडियोस जो है टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। हमने इस तरह की वीडियोस जो है अलाइट मोशन के ऊपर एडिट करके अपलोड की हैं अपने चैनल के ऊपर,
लेकिन हमारे ज्यादातर जो फॉलोअर्स हैं वो कैपकट यूज करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये एडिटिंग जो है हमें कैपकट में सिखाएं। तो आज जो है ये एडिटिंग हम लेकर आए हैं कैपकट ऐप में कि हम कैपकट ऐप में ब्लैक इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए हमने कैपकट ऐप को करना है ओपन। जब हम कैपकट ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने उस वीडियो को ले आना है जिसके ऊपर अपना ये इफेक्ट लगाना है। उसके लिए हम ये न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और उस वीडियो को सिलेक्ट करके ले आएंगे। अब उस वीडियो को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद कर लेंगे ऐड। ऐड करने के बाद देखें ये हमारे पास ऐड हो चुकी है वीडियो। यहाँ पे देखें कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमने इफेक्ट लगाना है। उसके लिए सबसे पहले हमने लास्ट में आके कैपकट का ये वाटरमार्क है इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कर देंगे डिलीट। उसके बाद वीडियो के आ जाती है स्टार्ट में। स्टार्ट में आने के बाद ये है इफेक्ट का ऑप्शन, आपने इफेक्ट के ऑप्शन में आना है। इफेक्ट के ऑप्शन में आने के बाद वीडियो इफेक्ट है, वीडियो इफेक्ट में आना है। वीडियो इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऊपर देखें फेवरेट, ट्रेंडिंग, बेसिक, बिलिंग, ठीक है, ये ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे जो है ना आपने आ जाना है कॉमिक वाले ऑप्शन में, ठीक है। ये कॉमिक आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर जो है रेड एरो नजर आ रहा है, इस कॉमिक पे आप क्लिक करेंगे। कॉमिक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे। अब आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है लास्ट में। लास्ट में ये देखें बी एंड डब्ल्यू स्केच नजर आ रहा है, ठीक है। बी एंड डब्ल्यू स्केच पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट करके पूरी वीडियो के ऊपर कर लेना है एडजस्ट, ठीक है। तो ये देखें हमने अपनी पूरी वीडियो के ऊपर इसे एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद वीडियो के आ जाना है स्टार्ट में। स्टार्ट में आने के बाद यहाँ से हम बैक आते हैं, फिर वीडियो इफेक्ट में आते हैं। वीडियो इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे जो है अब हमने आ जाना है बेसिक के ऑप्शन में, ठीक है। ये आपको बेसिक नजर आ रहा है, बेसिक पे आप करेंगे क्लिक। बेसिक पे क्लिक करने के बाद इन ऑप्शन में आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको जो है ना एक ऑप्शन मिल जाएगा बुलर का, ये आपको बुलर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पूरी स्क्रीन के ऊपर, पूरी वीडियो के ऊपर कर लेना है एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद अब जो है हमने क्या करना है, इसे यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कर लेना है सेव। तो ये हमारे पास जब सेव हो जाएगा उसके बाद क्या करना है वो आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम फिर बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब ये जो है बी एंड डब्ल्यू स्केच वाली, ठीक है, जो हमने पहला इफेक्ट वाली लाइन सेलेक्ट की थी लेयर, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नीचे ये है रिप्लेस इफेक्ट, रिप्लेस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद फिर हम वही कॉमिक में आ जाएंगे। अब इसमें लास्ट है न्यून वाला, हम इसको यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद देखें ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे भी इस ऑप्शन में आके कर लेना है सेव। जब ये दोनों सेव हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है वो आपको बताते हैं, लेकिन तब तक आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो जो है आप तक फौरी पहुंच सका करे। अब ये देखें हमारे पास आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो है ना हमने ये जो न्यून वाला जो है इफेक्ट इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। बुलर वाले को भी यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब ये दोनों इफेक्ट हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद वीडियो के आ जाना है स्टार्ट में। स्टार्ट में आने के बाद यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद अभी हमने जो पहले दो वीडियोस को सेव किया था, ठीक है, एक्सपोर्ट किया था, उनको फिर ले आएंगे। उसके लिए हम ये ओवरले का ऑप्शन है, ओवरले के ऑप्शन में आएंगे। ऐड ओवरले है, ऐड ओवरले में आएंगे। ऐड ओवरले में आने के बाद यहाँ पे हमने जो पहली वीडियो सिलेक्ट करके ले आए थे, यानी कि पहली वीडियो एक्सपोर्ट की थी, उसको सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने इसे सिलेक्ट करके पूरी स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये याद रखेगा इसे अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करना है। अगर सही तरीके से एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो जो है थोड़ी सही नहीं बनेगी। इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद नीचे सप्लाइज का ऑप्शन है, आप सप्लाइज के ऑप्शन में आ जाएंगे। सप्लाइज के ऑप्शन में आ जाने के बाद यहाँ पे जो है ना आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जब आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाना है उसके बाद आपने इनके बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आपको डुडेज नजर आ रहा है, आप इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद इसे आपने अपनी वीडियो के मुताबिक जो है ना कुछ इस तरीके से कम कर लेना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये अपने मुताबिक देख लीजिएगा, जितना आपको बेस्ट लगे उतना आपने यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कर देना है ओके। ओके करने के बाद वीडियो के स्टार्ट में आना है, फिर यहाँ से आ जाना है बैक। बैक आने के बाद एड ओवरले में आना है। एड ओवरले में आने के बाद हमने जो दूसरी वीडियो यहाँ पे बनाई थी उसे सिलेक्ट करके कर देंगे एड। ये हमारे पास आ गई है। अब इसे भी हमने दो फिंगर के साथ पूरी स्क्रीन के ऊपर सही तरीके से कर लेना है एडजस्ट। इसको एडजस्ट करने के बाद फिर हमने सप्लाइज के ऑप्शन में आना है। सप्लाइज के ऑप्शन में आने के बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आगे आएंगे, आगे आपको हार्ड का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। ये हार्ड नजर आ रहा है, इस पर आप करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करते देखें ये आपके पास इफेक्ट लग चुका है। बाकी इस इफेक्ट में जो है ना आपने कुछ कम या ज्यादा करना हो तो उसे यहां से सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से, ठीक है।
जितना आप इसके ऊपर एडजस्ट करना चाहें वो आप अपनी मर्जी से देख लेंगे, जितना आपको बेस्ट लगे तो उसे आपने यहाँ पे कर लेना है एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद ओके करना है। बाकी देखें हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आपको इस वक्त इफेक्ट पूरा दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपना इफेक्ट लगा सकते हैं, जो बहुत ही ईजी है, अलाइट मोशन से तो बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में जो है आपने वीडियो को सेव करने के लिए ये ऊपर ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी वीडियोस को कर सकते हैं सेव। मैं कहूँ दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर सो, घंटे के बटन जरूर दबा सो, ताकि आने वाली वीडियो तो आसानी पहुंच सके।